तो हेलो गाइस, मैं हूं मिस्टर इंडियन राइडर। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपनी NS 200 में जो मैंने अभी बाय करी थी उसके अंदर मैं जा रहा हूं भाई अपनी फ्लैशर्स लगवाने बाइक के अंदर, और देखते कितने खर्चा आते हैं और वो कैसे कैसे लगाते हैं। आपको पूरा प्रोसेस भी समझाऊँगा, पूरी चीज़ करूँगा। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे ना भाई NS में ना चार पेंच होते हैं जो खोलते हैं, तो ये इन भैया ने खोले। और इसके बाद ना आपको तीन दिखेंगे ऐसे कपलर, तीन कपलर दिखेंगे, एक ग्रीन वाला और यहाँ पे ना एक और होता है ये वाइट वाला। और ये जो आपको साथ में मोटा सा दिख रहा है ना, ये जो कपलर है जो भैया ने नहीं छेड़ा, ये आपको भी नहीं छेड़ना क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा ये तार जा रहा है सीधा का सीधा इसके अंदर हेडलाइट के अंदर। तो ये दो आपको खोलने हैं। ये आप जैसे ही खोलोगे ना तो आपको अब पता है क्या लेना, आपको एक फ्लैशर लेना है। फ्लैशर लेने के बाद ना ये जो इसकी तार होती है फ्लैशर की, इसके अंदर ना चार होते हैं। एक आता है फ्लैशर जो सीधा कपलर टू कपलर लग जाता है, ये उससे सस्ता है, ये आपको ऐसे ही पड़ जाएगा 200-250 रुपये में आपको मिल जाएगा कहीं से भी, और आप घर पे ही इसकी फिटिंग कर सकते हो। लेकिन इसकी जो फिटिंग है ना, ये आपको बड़ी ध्यान से करनी होती है। तो ये आप अच्छे से देख लो कि आपको कैसे कैसे फिटिंग करनी है इसकी। तो जो भैया ने सबसे पहले एक जो ब्लू तार लिया है ना, इसको आपको एक तो उसमें फिट करना है, ठीक है। ब्लैक वाले तार में ना आपको जो कपलर के अंदर ब्लैक तार है उनमें फ़िट नहीं करना। जो ग्रीन कलर का तार है ना, आपको दोनों ग्रीन कलर के तार में फ़िट करना है क्योंकि ये मेन होता है जो सॉकेट के होता है, ठीक ना, जो इंडिकेटर के से जुड़ा हुआ होता है। तो उसके बाद आपको दोनों में ये फिट करना है। इसमें चार तार है तो एक आपको दूसरे इंडिकेटर में, लेफ्ट वाले में, एक राइट वाले में। तो कपलर बंद करने के बाद आपको इन्हें रख देना है। और इसके बाद सारा खेल पता है किसका आता है स्विच का। तो यहाँ पे भैया स्विच का ना पहले जुगाड़ देख रहे थे कि कहाँ पे लग सकता है। तो स्विच ना पहले भैया लेफ्ट साइड देख रहे थे, तो लेफ्ट साइड में नहीं लगा। ये आप अच्छे से देख लो कैसे लगा हुआ है, वीडियो पॉज करके देखना ये आप, ठीक है ना। यहाँ पे भैया लगा रहे थे तो यहाँ ना फिटिंग नहीं बैठ रही थी, ये बंद नहीं हो रहा था। तो भैया ने फिर इधर लगाया, क्या बोलते हैं, जहाँ पे ब्रेक है ना, आगे की ब्रेक है, यहाँ पे भैया ने लगाया। एक बार ये भैया ने ब्रेक खोली, ये देखो आप स्विच कहीं भी लगा सकते हैं, स्विच खराब तो नहीं होएगा इसका। मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगवाया मैंने, ठीक है ना। आप एक बार देख लो अच्छे से, ऐसे ऐसे करते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार आप क्रॉस करके ना अच्छे से देखना, ये जैसे भी लगा हुआ है ना आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। और भाई बाहर ना लूटने का काम है, इसलिए आप घर पे फिटिंग करना अच्छे से, आराम से, बढ़िया तरीके से, कुछ नहीं करना यार NS में तो, और बल्कि और बढ़िया चीज़ है। ये भैया ने देख रहे हो, इनने ये नीचे किया, अब यहाँ पे एक स्विच लग जाएगा। एक ये भैया स्विच लगा रहे हैं। वीडियो का एंगल ना सही से नहीं आ रहा हो, क्योंकि मैं भी ना वीडियो के अंदर देखने से ज़्यादा ना मैं सामने देख रहा था, तो वीडियो का एंगल पता नहीं चल रहा था। ये कह रहा अब भी ऐसे दोबारे लगा देंगे, बस इतना सही काम है इसका, और कोई काम भी नहीं है। तो अब ना अगर आप भी आसपास रहते हो, आप दिल्ली में हो, और दिल्ली में ना आपको सस्ता काम कराना है, तो आप इस शॉप पे आ सकते हो क्योंकि ये सस्ती है, रीज़नेबल है। मैं अभी इसके पास इसलिए ही गया था इस शॉप के पास, तो मैं आपको भैया से मिलवाता हूँ, क्योंकि ये तो अब कोई काम नहीं है भाई, ऐसे ही जोड़ देंगे अब, ठीक है ना। तो आपको मैं सीधा डायरेक्ट ना भैया से मिलवाता हूँ। तो ये मैंने भाई पकड़ा हुआ आगे का मत्था, और अब भैया ने ना दोनों इसके तार छीले और दोनों जोड़ दिए, जो तार दो तार और बचे हुए थे ना, एक इसके साथ जोड़ दिया और एक तार और जोड़ देंगे फ्लैशर के साथ, है ना भैया। देख रहे हैं इसे अंदर फिटिंग करेंगे ना इसकी, तो इसलिए भैया देख रहे हैं। ये देखो मैं दोबारा वहीं देखने लग गया था ना, इसलिए थोड़े एंगल बिगड़ गया इसका। तो भैया मेरे से चाबी मांग रहे थे,
मैंने चाबी दी, अब दिया जला के देखेंगे इन्हें। भाई इतना छोटा सा ही काम है भाई, चार कनेक्शन करने हैं आपको, दो कपलर के अंदर करने हैं। कपलर ही नहीं बोलते, ये जो होता है ना जो प्लग वाला होता है हिसाब, इसे दो कपलर में करने और दो तार जोड़ने और कुछ नहीं करना, और आपका 250 रुपये में काम हो जाएगा। लेकिन मेरे ये फिटिंग के साथ इन्होंने, अगर आप भी ऐसे शॉप पे आते और आपको खुद से नहीं करना, तो ये फिटिंग के साथ आपको टोटल 400 रुपये का पड़ जाएगा। मैं आपको लोकेशन दे दूँगा और ये देखना आप, नाइट व्यू में आपको दिखाऊँगा ही, ऐसे जल रहे ये फ्लैशर्स, बढ़िया लग रहे हैं। तो ये आपने देख लिया, ये तो मैंने फ्लैशर्स लगवा लिया। ये इन भी आगे शॉप है, और इस शॉप का एड्रेस जो है तो वो भैया से ही पूछते हैं। तो भैया आपकी शॉप का एड्रेस क्या है, अगर किसी को यहाँ पे आपको काम कराना हो आके? इंदर लोग की स्कूटर मार्केट काफी फेमस है। अच्छा, हाँ, त्रिनगर की साइड से आते हैं तो नाले से एंटर करते ही सेकंड शॉप है हमारी। अच्छा, और ये शॉप के ओनर है? ये शॉप के ओनर है। इनको और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप देख रहे हो हॉर्न है, और भी इंडिकेटर्स है, फ्लैशर्स भी हैं इन पे बड़े अच्छे अच्छे, और स्टिकर्स भी है छोटे मोटे जो आप देख रहे हो यहाँ पे लगे हुए हैं। और आपके भैया रीजनेबल रेट है पूरी मार्केट में या फिर क्या है हिसाब? बेस्ट प्राइस मिलेगा आपको। अच्छा, ट्राई कर सकते हैं, लगवाने के बाद भी रेट की गारंटी होगी। अच्छा, और ये जो मैंने इंडिकेटर इसमें लगवाया है, तो इसकी कोई गारंटी वारंटी है इनमें आती है? ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसकी अच्छा कोई वारंटी नहीं आती है, बाकी ये बहुत बढ़िया चलता है। जो हमने इसमें फ्लैशर लगाया है बहुत अच्छी क्वालिटी। अच्छा, वो टेस्टेड है, मतलब वही यूज़ करते हैं। मार्केट में और भी बहुत तरह के आते हैं फ्लैशर, उसमें कंप्लेंट बहुत आती है, हम केवल ये जो टेस्टेड वाला है हमारा काफ़ी सालों से। अच्छा, कंप्लेंट नहीं आती है जल्दी। चलो ओके भैया।